हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ पीके। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है एक रेसिपी वीडियो है। अगर आपका बच्चा 10 महीने से बड़ा है तो आप उसे घर में बनाकर खिलाइए। बच्चा काफ़ी इंजॉय करते हैं खाते हुए, और हर मदर के लिए ये टास्क होता है कि बच्चे को खाना कैसे खिलाया जाए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बिल्कुल खाना नहीं खाते हैं, छोटे बच्चे इधर उधर भागते हैं। अच्छे अच्छे डिशेज बनाइए जो बच्चा खा सकता है, और खूब सारी वेजिटेबल्स उसमें ऐड करिए और बच्चे को आप खिलाइए। बच्चा काफ़ी इंजॉय करके भी खाएगा उस चीज़ को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाइए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ एक बेल आइकन होगा उसको भी हिट कर दीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप उस वीडियोस को एंजॉय करते रहें। तो आज हम बनाने वाले हैं बच्चों के लिए सूजी का चीला, जिसमें आप बहुत सारी वेजिटेबल ऐड करिए, थोड़ा सा आटा ऐड करिए। बच्चे आटा रोटी नहीं खाते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा आटा ऐड कर लीजिए, काफ़ी अच्छा बनता है बच्चों के लिए और सॉफ्ट भी होता है थोड़ा, तो आप लोग बच्चों को खिला सकते हैं और बच्चा काफ़ी इंजॉय करके भी खाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब वीडियो। तो यहाँ पर मैंने लिया है दही, एक कटोरी मैंने लिया है सूजी, और 1/4 कटोरी मैंने लिया है आटा, और साथ में लिया है मैंने नमक। नमक मैं बड़ों के लिए ऐड करूँगी, बच्चे के लिए आप नमक अवॉइड करें। यहाँ पे मैंने लिया है प्याज, टमाटर और कैप्सिकम। मेरे पास तीन ही वेजिटेबल्स थी तो मैंने ये तीन ही ऐड करी हैं, आप और भी ऐड कर सकते हैं। सबको बारीक बारीक कट कर लीजिए ताकि बच्चों के मुंह में ना लगे। यहाँ पे मैंने लिया एक बाउल ताकि मैं सारा मिक्सचर ऐड कर सकूँ, और यहाँ मैंने लिया एक गिलास पानी, और ये स्पून लिया है सबको मिक्स करने के लिए। तो अब हम मिक्स करेंगे अपने बाउल में सारा, एक एक करके सारे बैटर। तो यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ सूजी। सूजी आप अपने अकॉर्डिंग ही ले सकते हैं, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी दही। दही में सारी ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा ही दही ले रही हूँ ताकि ज़्यादा खट्टा ना हो जाए बैटर मेरा। तो अब हम दही और सूजी को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि हमें आइडिया हो जाए हमें कितना पानी और ऐड करना है इसमें। तो पानी आप एकदम से सारा ऐड मत करिए ताकि बैटर बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए, आप धीरे धीरे करके ही पानी ऐड करिए। तो यहाँ पे मैं पानी के साथ मिक्स कर रही हूँ अब अपने बैटर को। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आटा। आटा बच्चे वैसे तो रोटी वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो अगर आप ऐसी डिशेज बना के बच्चों को दे रही हैं तो बच्चा काफ़ी इंजॉय करता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है इसमें, तो मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है। तो इसके सारे लम्स निकल जाने चाहिए, आप तब तक बैटर को मिक्स करते रहें। लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए ताकि डिश काफ़ी अच्छी बने। तो अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ ये वेजिटेबल्स, आप अपने बैटर के अकॉर्डिंग ही वेजिटेबल्स ऐड करें। जितना आपको लग रहा है कि आपके बैटर के लिए यूज़ हो सकती है वेजिटेबल्स, आप उतनी ही ऐड करें। यहाँ पर मैं सारी वेजिटेबल्स अब ऐड कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कितना कलरफुल लग रहा है। तो सारी वेजिटेबल्स को इस बैटर में अच्छे से मिक्स कर लें आप लोग। नमक मैंने अवॉइड करा है क्योंकि मैं अभी बच्चे के लिए पहले बना रही हूँ, नमक मैं बाद में ऐड करूँगी। तो ये देखिए बैटर कितना अच्छा लग रहा है। तो हमें इस बैटर को ज़्यादा पतला नहीं रखना है, और डोसे के अकॉर्डिंग ही इस बैटर को रखिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है क्योंकि इसमें सूजी फूलेगी थोड़ी सी, तो अभी हम इसे ढक के रख देंगे थोड़ी देर ताकि सूजी सारा पानी सोख कर ले। तो अब हम बनाते हैं अपना यहाँ पर चीला। तो चीला बच्चे के लिए बना रहे हैं तो प्रेफर करूँगी कि आप लोग देसी घी में ही बनाएं, आप कोई भी और वेजिटेबल ऑयल यूज़ ना करें। देसी घी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 स्पून देसी घी। देसी घी ऐड करने के बाद आप इसमें अपना बैटर मिक्स करें। मैंने यहाँ पर 2 स्पून बैटर को यूज़ करा है। अब अपने अकॉर्डिंग मोटा पतला बैटर को कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से फैला लीजिए ताकि कहीं पे ज़्यादा मोटा ना रह जाए या कहीं पे ज़्यादा पतला ना हो जाए, तो आप इसको अच्छे से मेक फैला लीजिए। तो अभी ये थोड़ा सा कच्चा है और इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, और अगर आप लोग चाहें तो इसको ढककर भी पका सकते हैं। जब तक ये ऊपर का कलर चेंज ना हो जाए इसका, तब तक आप लोगों को इसको पकाना है, और बिल्कुल लो फ्लेम में इसको पकाना है। बिल्कुल तेज़ आँच अगर हम कर देंगे तो बैटर हमारा, जो भी हमारा मिक्सचर है, ये नीचे से जल जाएगा और चीला बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है, आप नीचे से मैं आपको दिखाती हूँ।
नीचे की साइड से भी इसमें थोड़ा सा कलर आने लग गया है, बट अभी भी हमारा पलटने के लिए रेडी नहीं है मिक्सचर। तो जब तक ये पूरा प्रॉपर अच्छे से कलर नहीं आ जाएगा यहाँ से भी, तब तक हम इसको नहीं पलटेंगे। मैं इसको एक बारी पलट के देखती हूँ। देखिए नीचे से तो थोड़ा बहुत कलर आ गया है, बट अभी भी ये पूरा अच्छे से नहीं पका है। तो आप तब तक इसको पकाते रहिए जब तक ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए दोनों साइड से। कच्चा नहीं रहना चाहिए बच्चे के लिए, आप इसको अच्छे से पकाएं तभी बच्चे के लिए सर्व करें। तो मैं इसको अभी बैक साइड से भी पका रही हूँ। इस डिश को बड़े भी काफ़ी इंजॉय करते हैं, तो मैं घर में सबके लिए ही ये डिश बना रही हूँ। और इसके साथ मैंने नारियल की चटनी भी ऐड करी है। अगर आप लोग चाहें तो और भी चीज़ें सांभर ऐड कर सकते हैं बड़ों के लिए। ये हमारी डिश रेडी है, इसको मैं सर्व कर रही हूँ नारियल की चटनी के साथ। तो आप लोगों ने देखा पार्थ ने कितना एंजॉय करके खाया है। अभी वो ज़्यादा नहीं खाता है, बट जितना भी खाता है काफ़ी एंजॉय करके खाता है। और वो मैं उसको बना के देती हूँ और भी डिशेस, तो वो अच्छे से एंजॉय कर लेता है। मैं उसको अच्छे से प्रॉपर बैठा कर खिलाती हूँ ताकि वो इधर उधर नहीं भागे और अपना मील प्रॉपर ले सके। तो आप लोग भी बच्चों को प्रॉपर मील दीजिए, और जैसा भी हो सके आप लोग अपने बच्चों को न्यूट्रिशन पहुँचाइए ताकि बच्चा थोड़ा हेल्दी रहे और बच्चा इंजॉय करके भी खाए। तो अगर आप लोग बड़े भी ये रेसिपी बनाना चाहते हैं और खाना चाहते हैं तो भी आप लोग खा सकते हैं। और आप लोग इसके साथ ऐड करिए, सांभर ऐड कर लीजिए, चटनी ऐड कर लीजिए। मैंने जैसे कि नारियल की चटनी बनाई थी, आप ग्रीन चटनी ऐड कर लीजिए, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये खाना। और आप बड़े भी इसे काफ़ी इंजॉय करते हैं। आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाइए, लंच में बनाइए, डिनर में बनाइए, कभी भी आप इसे बना सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी रेसिपी है, आप लोग आई होप जरूर इसे घर में ट्राई करेंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी वीडियो, और मैं आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।